हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह सैग इन्फोटेक के बिहाफ में आज आपको हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता रहा हूँ। हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है CACS और प्रोफेशनल्स के लिए। आज मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ वो है CA पोर्टल। CA पोर्टल एक तरीके की वेबसाइट है जो कि CA या CS या कोई भी प्रोफेशनल अपने लिए, अपने खुद के लिए बनवा सकता है। सैग इन्फोटेक उन्हें फैसिलिटी देती है कि वो अपने हिसाब से अपनी खुद की वेबसाइट डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये है हमारा होम पेज। आप इसे ओपन करने के लिए टाइप करेंगे caportal.saginfotech.com। आप जैसे ही इसे अपने ब्राउज़र पे टाइप करते हैं ये पेज ओपन हो जाता है। इसमें हमने आपको करीबन 100 से ज़्यादा थीम्स दे के रखी हैं। थीम्स मतलब कि इनमें से आपको कौन सा पेज या थीम अच्छी लगती है अपनी वेबसाइट के लिए, आप वो सेलेक्ट करिए। हम उसमें आपके अकॉर्डिंग आपकी खुद की वेबसाइट आपको बना के देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। मैंने थीम वन सेलेक्ट किया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने ये पेज ओपन हो जाता है। इसमें आपको मिलती हैं फैसिलिटीज़ जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं अपने CA पोर्टल से। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि होम पेज। इस होम पेज पे आप वो डिटेल्स दे सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि जब भी कोई आपका इस वेबसाइट को ओपन करे तो देखे कि हाँ आपकी कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, या आपकी कंपनी की रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप हाईलाइटेड करके एक वेबसाइट पे बताना चाहें। इसके अलावा अगला ऑप्शन आता है सर्विसेज। सर्विसेज में वो सर्विसेज जो कि आपकी कंपनी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि अगर आप कोई टैक्स कंसल्टेंट हैं तो आपके टैक्स कंसल्टेंट से क्या क्या कंसल्टेंट रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो। अगर आप कोई फाइलिंग करवाते हैं तो किस तरह की फाइलिंग, उस सभी की डिटेल्स हम आपकी वेबसाइट पे सर्विस के ऑप्शन के थ्रू दे सकते हैं। इसमें अगला ऑप्शन आता है टूल्स का। टूल्स के थ्रू अब जैसे कि ये वेबसाइट हमने बताई कि CACS या कोई भी प्रोफेशनल यूज़ कर सकता है, तो वो क्या क्या चाहेगा। वो चाहे कि अगर उसे इनकम टैक्स रेट देखना है तो इनकम टैक्स रेट देख सकता है, अगर TDS रेट देखना चाहे तो वो देख सकता है। वो उस ऑप्शन पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको देखिए एक विंडो अपीयर हो रही होगी। अब यहाँ से वो जिस ईयर का देखना चाहे देख सकता है, TDS रेट, इनकम टैक्स रेट या जो भी रेट टूल उसने सेलेक्ट किया होगा। इसी में अगला ऑप्शन आता है इम्पोर्टेंट लिंक्स का। इम्पोर्टेंट लिंक्स के थ्रू मान लीजिए अगर वो किसी को पैन वेरीफाई कराना है, टैन वेरीफाई कराना चाहे तो डायरेक्टली उस लिंक पे जहाँ से कि वेबसाइट ओपन हो वहाँ जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे PFESI देखना है, मैं उस पे गया। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो नीचे उन पॉइंट से जुड़े जो बेसिक लिंक्स होंगे, जैसे कि अगर मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है या फिर डाउनलोड करना है अपने EPF फॉर्म या लॉगिन करना चाहूँ, तो वो लिंक्स डायरेक्टली यहाँ से अपियर हो जाएंगे। और अगर मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर देता है, तो आपको अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है एक्ट्स का। एक्ट्स मतलब कि आप जैसे नॉर्मली चेक करना चाहें कि हाँ एक्ट्स में कुछ चेंजेस आए हैं, या आप चाहें कि कोई भी आपकी वेबसाइट विज़िट करें तो वो चाहे कि ठीक है मुझे पता चल जाए कि क्या कोई चेंजेस तो नहीं आए इनकम टैक्स रेट में, या कोई चेंजेस तो नहीं आए किसी और टैक्स रेट में, वो एक्ट में चेक कर सकता हूँ। सेम आप रूल्स और सर्कुलर्स आप चाहें तो आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। इसके थ्रू अब आप मान लीजिए डिपार्टमेंट ने आज कोई नोटिफिकेशन दिया, आपको अगर पता करना है तो आप उस ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने नीचे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे उस तारीख के जिस तारीख को नोटिफिकेशन आए होंगे। आप उन पे क्लिक करें, आप पिछले कुछ सालों का देखना चाहें तो ईयर सेलेक्ट करके आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फॉर्म्स का। अब मान लीजिए आप इनकम टैक्स फाइलिंग के साथ साथ कुछ और फाइलिंग जैसे कि वैट फाइलिंग करते हैं। अब हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंग वैट फॉर्म्स भी या जो भी कोई फॉर्म लगवा सकते हैं। अगर आप गुजरात फाइलिंग करें तो गुजरात वैट फाइलिंग फॉर्म्स, इनकम टैक्स फाइलिंग करें तो उनके फॉर्म्स लगवा लीजिए। आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप या आपका जो भी इस वेबसाइट को विजिट करेगा विजिटर, वो देख सकता है वो लिंक्स जो कि आप चाहते हैं कि जो भी इसे लॉगिन करे देखे। इसके अलावा हमने कैलकुलेटर देके रखा है। अब आपको अपना कैलकुलेटर हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे यूज़ करें और डायरेक्टली यहीं से अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद न्यूज़ फीड्स।
न्यूज़ फीड्स नीचे देख रहे होंगे आपको यहाँ बीच में एक ब्लॉक्स में न्यूज़ आ रहा है और यहाँ साइड में ड्यू डेट रिमाइंडर भी चल रहा है। ये पॉइंट कंपनी आपको देती है फैसिलिटी। मान लीजिए डिपार्टमेंट ने कल कोई नोटिफिकेशन दे दिया, अगर आप वो चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे जो आपके विजिटर्स होंगे या कोई भी जो आपकी वेबसाइट विजिट करें वो देखें, तो आप यहाँ पे हम यहाँ पे अपडेट करते हैं हर दिन कि आपके आपके जो भी यूज़र्स आपकी वेबसाइट को विज़िट करें उनको भी वो न्यूज़ पता चले। आप अगर न्यूज़ फीड पे क्लिक करेंगे तो आप उन न्यूज़ को अगर पूरी डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ नीचे न्यूज़ आ जाएंगी, आप उन डिटेल्स को आराम से पढ़ भी सकते हैं या जो आपकी विज़िट करेगा वो भी। इसमें अगला ऑप्शन आता है ब्लॉग्स का। ब्लॉग ऑप्शन का यूज़ ये है कि अगर आप वेबसाइट पे चाहें कि कोई ब्लॉग शो हो, कि अगर आपने कुछ आज नया किया है या कंपनी में कुछ खास हुआ है, आप वो ब्लॉग को हाईलाइट करना चाहें तो इस ब्लॉग ऑप्शन के थ्रू आप उसे कर सकते हैं। उसे करने के लिए आप जाते हैं और टाइप करेंगे wp-admin, तो आपके सामने ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले टाइप करना होगा यूज़र नेम, जैसे कि मैंने एक यूज़र नेम टाइप किया, और उसका पासवर्ड, ताकि ये वैसे उन्हीं को प्रोवाइड होगा जिनके पास यूज़र आईडी है, वही इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला 1 3 एंड देन लॉगिन, इसके थ्रू मैं इस वेबसाइट पे लॉगिन कर लूँगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे व्यू करना है कि कोई पोस्ट किसी ने किए हैं, तो मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा, ऑल पोस्ट, न्यू पोस्ट, जो भी देखना चाहे। जैसे मैंने ऑल पोस्ट पे क्लिक किया तो मैं यहाँ से व्यू कर सकता हूँ सारी पोस्ट जो भी किसी ने मेरे पोस्ट पे कमेंट किया है या मैंने कोई पोस्ट ऐड की है। अगर मैं कोई कमेंट्स करना चाहूँ या देखना चाहूँ तो मैं कमेंट्स पे जाकर एडमिन कमेंट डाल सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी कमेंट पे कमेंट करे, तो मैं यहाँ पे स्पैम या पे थ्रू रिवर्ट कर सकता हूँ या हटा भी सकता हूँ। इसके थ्रू मैं इस ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। वापस से होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आने के बाद अब ये है मेरा हमारी वेबसाइट पर। अब आप देखेंगे तो सर्विसेज के बाद अब आप यहाँ नीचे देखें तो कुछ अदर डिटेल्स भी हैं। जैसे कि आप अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे अगर कोई आपको कमेंट या मैसेज देना चाहे तो यहाँ पे ऑप्शन है, वो अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कमेंट डाल के सेंड करेगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। आप चाहें तो आप यहाँ पे मैप भी डलवा सकते हैं कि ठीक है, अगर आप चाहें कि कोई आपके एड्रेस तक कैसे पहुँचे, आप अपना एड्रेस यहाँ पर ऐड करा दें। वेबसाइट के साथ साथ हम आपको देते हैं एक लॉगिन का ऑप्शन, जिसमें कि आप अपना खुद का एक डेटा या रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। वो कैसे, हमने आपको यहाँ फैसिलिटी दी है एक लॉगिन बॉक्स की, जिसमें कि आपके यूज़र्स जिनको आप राइट्स देंगे कि लॉगिन कर सके, या आप खुद भी जो मेन एडमिन होगा वो इस पे लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे अपना जो भी यूज़र नेम है वो यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और पासवर्ड डालने के बाद क्लिक करेंगे लॉगिन पे, तो ये लॉगिन पेज ओपन हो गया। अब इसमें हमने आपको फैसिलिटी दी है कि आप खुद क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है साइट मैनेजर। साइट मैनेजर पे आपको ऑप्शन है एडिट यूज़र का। इसके थ्रू आप, जैसे कि आपका एड्रेस बदल गया ऑफिस का, आपके कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदल गए, या कुछ ऐसी डिटेल जो आपको बदलना है, आप डायरेक्टली यहाँ से आपको खुद को राइट्स है कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप जाएंगे, ऐड करेंगे और चेंज कर सकते हैं। होम पेज पे आप कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं कि जो आप चाहें कि ठीक है मुझे राइट्स है कि मैं खुद वहाँ पर टाइप करके चेंज कर सकूँ, तो यहाँ पे जाएं, टाइप करें और डाल सकते हैं। अब इन केस आपको इस रिगार्डिंग कुछ और क्वेरी है तो आप हमें इसके लिए कॉल भी कर सकते हैं। मैं वापस से बैक करता हूँ। इस पे आने के बाद अगला ऑप्शन आपको जो मिलता है वो होता है एडिट कॉन्टैक्ट्स का। इसके थ्रू आपको राइट्स है कि आप खुद भी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपने डाली हैं उन्हें एडिट कर सकते हैं। कोई न्यूज़ ऐसी कि जो आप चाहें, कंपनी रिगार्डिंग न्यूज़ जो आप डालना चाहें, तो वो भी आप खुद न्यूज़ के ज़रिए डाल सकते हैं। साइट मैनेजर के अलावा हमने आपको ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट मैनेजर का। इस डॉक्यूमेंट मैनेजर के थ्रू आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने फैसिलिटी दी है आपको कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स, लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नाम है, वो नाम बदलना चाहें, चीज़ें बदलना चाहें, या
अब जैसे कि ये जो लॉगिन किया है मैंने एज अ कह लीजिए एडमिन किया है, तो जो भी यूज़र होंगे मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे उन यूज़र्स के फ़ोल्डर भी, और वो फ़ोल्डर्स भी जो मैंने खुद ने बनाए हैं। अब जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे मोहित, देन फिर रोहित, रोहित ने कोई और डॉक्यूमेंट डाला, वो इस तरीके से एक लिस्ट बन के आ जाती है। अदरवाइज़ आप खुद इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड फोल्डर का ऑप्शन आता है। आप खुद यहाँ पे फोल्डर ऐड कराएं, कुछ अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर दीजिए, उसे रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे मेल करना चाहें या प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उसका साइज़ देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो आपका इन शॉर्ट एक डॉक्यूमेंट मेंटेन हो रहा है सेफ साइड सॉफ्टवेयर में भी, जो कि आपको अगर हार्ड कॉपी के तौर पे रखना है, आप सेफ साइड रखना चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने एक और ऑप्शन दिया है ईमेल मैनेजर। ईमेल मैनेजर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो एक मेल आईडी है उसका यहाँ पे इनबॉक्स डायरेक्टली चेक कर लेंगे। अब आपको कोई दूसरे ब्राउज़र पे वापस जाइए, टाइप करिए, लॉगिन करिए, फिर आप यहाँ पे अपने मेल चेक करेंगे, सेंड करेंगे। उन चीज़ों के ज़रिए हमने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप इसी के थ्रू किसी को मेल चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, कंपोज सेंड करना चाहें सेंड कर सकते हैं, ड्राफ्ट या फोल्डर बना के आप उस चीज़ों का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको एक और ऑप्शन दिया है एसएमएस मैनेजर। एसएमएस मैनेजर आपको फैसिलिटी देता है कि अब आपको किसी को एसएमएस करना है तो आप यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालिए, एसएमएस मैटर टाइप करिए और सेंड कर दीजिए। आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ग्रुप्स में मैसेज देना चाहें तो ग्रुप दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमसे एसएमएस पैक परचेस करना होगा ताकि आप किसी को एसएमएस सेंड कर पाएँ। फिर से बैक करते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऑप्शन है, वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर के थ्रू आपको फैसिलिटी मिलती है कि अब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने रिमाइंडर भी चेक कर पाएंगे। मान लीजिए आपकी कोई ख़ास मीटिंग है कल, आप यहाँ पे ऐड रिमाइंडर पे आएंगे, ऐड रिमाइंडर पे आके टाइप करेंगे जो भी इवेंट है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरी कल ख़ास मीटिंग है, मैंने सेलेक्ट किया, मीटिंग पे क्लिक किया, शेड्यूल डाल दिया दैट मीटिंग एट 12 नून। अब इसके डालने के बाद मैं चाहूँ कि ये सबसे ख़ास है मेरे लिए तो मैं हायर प्रायोरिटी देकर इसे जो भी टाइम शेड्यूल हो या डेट हो वो मेंशन करके सेव कर दूंगा। तो मुझे ये रिमाइंडर मिल सकता है पॉपअप के ज़रिए जब मैं ये लॉगिन या ऑप्शन ओपन करूँगा, या फिर अगर मुझे एसएमएस के ज़रिए है तो मैं एसएमएस करके भी इसका डिटेल पा सकता हूँ। तो ये था एक ऑप्शन जो कि आपको वेबसाइट के साथ साथ हम देते हैं। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और वापस आते हैं वेबसाइट पे, बैक करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने आपको कनेक्टिविटी दी है कि आप फेसबुक, ट्विटर या जीमेल जैसे चीज़ों से भी अपनी वेबसाइट का लिंक करा सकते हैं। और अगर हमने आपको फैसिलिटी ना बताई हो तो बता दें कि आपको राइट्स है, जैसे कि आप चाहें कि इसमें आप शो करवाएं कि मुझे तो यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन चाहिए, तो हम यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन भी ऐड करा देंगे। कोई ऐसी चीज़ें जो कि आप अपने अकॉर्डिंग चाहें कि मुझे इन वेबसाइट्स में इस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी चाहिए, तो अगर वो ऑप्शन लाजमी है और पॉसिबल है तो ज़रूर हम उन ऑप्शंस का भी इसमें ऐड करा सकते हैं। तो ये तो थी कुछ बेसिक डिटेल्स हमारी वेबसाइट, मतलब कि हमारे पोर्टल की, कि आपको पोर्टल क्या क्या देता है। और आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे जो कि है 0141-4072-000 पर, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@saginfotech.com पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।